हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज हम परसेंटेज दो का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2018 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल 2018 में प्री में परसेंटेज का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका ये सेट नंबर वन है। अगला सेट दो सेट में कम्प्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब हम लोग करेंगे, टाइप परसेंटेज का करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस का करेंगे, इस तरह चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज का सीजीएल 2018 प्री में क्वेश्चन पूछा गया। सीजीएल 2018 प्री, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बनाना है। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए की आय बी की आय से, रेशियो निकाल रहे हैं, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक, मान लीजिए बी 100 है तो ए कितना होगा, 140 होगा, समझ रहे हैं। इसको रेशियो में ले लेंगे, ये कट गया 1010, 2 से ये 5 बार में कट गया, ये 2 से 7 बार में कट गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, दो कम है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, दो कम है। किससे कम है, ए से कम है, गुणा क्या कर देंगे 100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 28.4/7%। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंपल रेशियो निकालनी है, उसको देख लिए बी की आय ए की आय से कितना कम है, दो, किससे कम है, ए से कम है, गुना कर देंगे 100। आसान क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर दो में बोला गया है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कम होगा, यही पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, क्वेश्चन में बोला गया है राजू की आय जो है, राजू की आय जो है उसके व्यय से 20% अधिक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। मान लीजिए उसका व्यय जो है, मान लीजिए उसका व्यय जो है 5 है। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, एक्सपेंडिचर। ये 5 में से 1 अधिक हो गया, ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है, पहले हम 100 वाला बता रहे हैं। ये मान लीजिए इनकम हो गया, ये मान लीजिए एक्सपेंडिचर हो गया, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, मान लीजिए इसका एक्सपेंडिचर जो 100 है इससे ये कितना अधिक है, 120 हो जाएगा, ये 20% अधिक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 100 कट गया, ये 2 से 5 बार में कट गया, ये 2 से 6 बार में कट गया। ये प्रोसेस नंबर 3 सब लोग जानते हैं, आप लोग फ्रैक्शन से बनाएंगे, ठीक है। हम मान लीजिए उसका एक्सपेंडिचर जो है, व्यय कितना है, 5 है। उसका एक्सपेंडिचर 5 है, 5 में से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका इनकम हो गया 6, एक्सपेंडिचर हो गया 5। हम बताए थे ये रेशियो वैल्यू को हमेशा बड़ा लेंगे, क्योंकि छोटा वैल्यू लेने से क्या होता है, यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन दिक्कत होगा, इसलिए अपने मन से हम 00 बैठा लेंगे, ताकि कोई देखे ये जैसे 6/5 है, यहाँ 00 बैठा है, यहाँ 00 बैठा है, कट गया, फायदा क्या, वही तो हुआ, रेशियो में चेंज नहीं हुआ। इसलिए रेशियो में सेम चीज से गुना भी कर सकते हैं, सेम चीज से डिवाइड भी कर सकते हैं, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होता है। अब यहाँ पर दोनों घटा देंगे, कितना आ गया सेविंग 100, अभी सेविंग 100 है। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला गया इसकी आय में 60% की वृद्धि की गई, तो इसका 60% निकाल लेंगे हम लोग। 60% कितना होता है, 360। 600 का 60% कितना हो गया, 360। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है क्या, व्यय में 70% की वृद्धि की गई। व्यय में कितना वृद्धि किया गया है, 70% का। तो बताइए आप लोग 500 का 70% कितना होता है, 500 का 70% होता है 350। अब देखिए यहां पर इनकम में
360 बढ़ा और यहाँ पर एक्सपेंडिचर में 350 बढ़ा, तो ऑल ओवर बचत कितना बढ़ गया इसका, 10 बढ़ गया। कितना में से 100 में से 100 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे 100, तो गुना 100, ये 100 कट गया, ये आ गया 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गया। 100% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। समझ गया, आसान क्वेश्चन था, सिंपल बोला गया है। उस जो राजू का आय है उसके व्यय से 20% अधिक है, मान लीजिए 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। मान लीजिए इसका एक्सपेंडिचर जो है 5 है, उसमें से 1 ज्यादा है उसका इनकम, तो 6 हो गया। रेशियो में क्या करेंगे, बड़ा भी ले लेंगे अपने मन से, हम 2 0 लगा दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बोला गया इसका इनकम में 60% का वृद्धि हुआ, तो 60% वृद्धि कर दिए। एक्सपेंडिचर में 70% का वृद्धि हुआ, 70% वृद्धि कर दिए। सॉल्व के यहाँ पर ऑल ओवर वृद्धि कितना आ रहा है बचत में, 10, इसमें से 100 में से गुना 100। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017-2018 पर पूछा गया है, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग किए भी थे। अगला क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 26% की वृद्धि होता है, तो उसका आय कितना परसेंट वृद्धि होगा। ठीक है, इस बार यहाँ पर इनकम के बारे में पूछा है, वृद्धि होगा या कमी होगा, तो क्वेश्चन में स्पष्ट वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, सुधा अपनी आय का 15% बचत कर रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। मान लीजिए उसका आय 20 है, 20 में से वो क्या कर रहा है, 3 बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है 3। हम अपने सुविधा के लिए क्या किए, ऊपर में भी 100 गुना कर दिए और नीचे में भी 100 गुना कर दिए, ताकि कैलकुलेशन फ्रैक्शन में नहीं आए। ठीक है, ये इसका इनकम हो गया और ये इसका सेविंग हो गया। आप बताइए यहाँ पर इसका सेविंग 300 है और इनकम कितना है, 2000 है, तो बताइए खर्च कितना कर रहा होगा, ये खर्च कितना कर रहा होगा, 17 से खर्च कर रहा होगा, घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, इनकम। इनकम कितना आ गया आपका, 2000। अब आगे क्वेश्चन है, बोला गया है कि आगे क्वेश्चन है, बोला गया है कि अपने व्यय में वो कितना वृद्धि की है, 20% की बढ़ाती है, कितना बढ़ाया, 20% एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाई, तो 20% बढ़ाइए, इसका 1700 का 20% कितना हो गया आपका, 340 यहां तक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोला गया सेविंग, सेविंग में क्या हुआ है, 60% बचत में वो 60% की वृद्धि कर रहा है, इसका 60% आप निकाल लेंगे, 60% कितना होगा, ये हो गया 180, कितना हो गया 180। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि इसका आय कितना बढ़ेगा, तो देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, जोड़ देंगे यहाँ पर 0 हो गया, ये 2 हो गया और 4 अरे कितना हो गया, 5 हो गया। कितना बढ़ रहा है, 520 किसमें से बढ़ रहा है, 2000 में से बढ़ रहा है, तो बाय कर देंगे 2000 × 100। इसमें हम ज्यादा कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, 26% में कट गया 26%, क्योंकि इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं। समझ गए, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, ये सब क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है क्या, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, सुरभि अपने आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% कम हो जाती है, तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए सुरभि अपनी आय का 75% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4। मान लीजिए उसका इनकम जो है 4 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 होगा। हम वही बताएं इसको फ्रैक्शन में क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू कर लेंगे, अपने से 2 0 बढ़ा दिए हम, तो उसका इनकम कितना हो गया आपका, इनकम हो गया 400। आपको पूछा है किसमें चेंजिंग पूछा है, खर्च में पूछा है, एक्सपेंडिचर में पूछा है, तो इनकम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 400। तो आप खुद बताइए, इनकम 400 है, 300 रुपया खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा, ये 100 कर रहा होगा, ये दोनों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर आ जाएगा,
एक्सपेंडिचर कितना आ गया आपका 300 आ गया, एक्सपेंडिचर कितना आ गया आपका 300 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे बोला गया है, क्वेश्चन में आगे बोला गया है क्या कि वो अपनी आय 20% बढ़ाती है, उसके बाद बचत 1% घटाती है, इसमें से 20% बढ़ाइए। आय कितना बढ़ाया, 20%, 20% बढ़ा दिए। जैसे ही आप 20% बढ़ाएंगे तो आप बताइए 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और सेविंग में 1% की कमी कर रहा है, 1% कमी कर रहा है तो 100 का 1% कितना होता है, -1। और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस था, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया आपका 81। कितना बढ़ गया ये, 81, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ऑल ओवर बढ़ कितना रहा है इसका, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 81 कितना में से, 300 में से गुना क्या कर देंगे 100, तो डबल जीरो कट गया, ये 3 से कट गया, 27 बार में इसका आंसर आ गया, 27% की वृद्धि, 27% की वृद्धि। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया फिर समझिए, 75% वो क्या कर रही है, अपना खर्च, आय का खर्च कर रही है, तो इसका 75% फ्रैक्शन नंबर 3/4, मान लीजिए इनकम 4 है तो 3 खर्च कर रही है, वैल्यू बड़ा कर दिया अपने मन से, 100 ऊपर नीचे गुना कर दिए, गुना करने के बाद ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए उसका इनकम कितना है 400, उसमें से 300 वो खर्च कर रही है, तो 100 रुपये क्या कर रहा, बचा रहा हो, बचा रही होगी। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो ये निकल गया क्या आपका एक्सपेंडिचर निकल गया। अब बोला गया इनकम में कितना वृद्धि किया, 20%, सेविंग में कितना कमी किया, 1%, तो इसमें से 20% बढ़ाया कितना हो गया, 80, सेविंग में 1% कमी किया, -1, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब ऑल ओवर वृद्धि कितना हो रहा है, 81 वृद्धि हो रहा है, इसमें से 300 में से गुना 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, उसके बाद बोला गया है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि की जाए और बी की आय में 90% की वृद्धि की जाए तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, मतलब दोनों को मिला के बताना कितना वृद्धि हुआ, ठीक है। तो बताइए ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/2। मान लीजिए बी की आय 2 है, 2 में से 1 बढ़ गया तो ए की आय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर फिर से बोल देखिए, इसका आप निकालेंगे परसेंटेज कुछ तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, दिक्कत करेगा पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए अपने मन से हम क्या के यहाँ भी एक डबल जीरो बढ़ा दिए, यहाँ भी डबल जीरो बढ़ा दिए, रेशियो में बढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला गया ए अपनी आय में 40% की वृद्धि करता है, ठीक है, एक आय कितना वृद्धि हुआ है 40%, तो 300 का 40% कितना हो गया, 120 हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि बी अपनी आय में 90% का वृद्धि करता है, बी अपने आय में कितना वृद्धि किया है, 90%, तो 200 का 90% कितना हो गया, 180, ठीक है। यहाँ पर ऑल ओवर वृद्धि कितना निकल गया आपका, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 0, 8 × 2 = 10 का 0 और 3 अरे कितना हो गया, 4। ऑल ओवर वृद्धि कितना आ गया आपका, यहाँ पर 2 × 3, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, ऑल ओवर वृद्धि हो गया 300। अब यहाँ पर टोटल दोनों का इनकम कितना है, टोटल इनकम दोनों का कितना है, 500, 300 वृद्धि हुआ कितना में से, 500 में से, गुना क्या कर देंगे 100, ये दोनों का संयुक्त रूप से वृद्धि निकल जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, ये आपका 6 बार में कट गया, ये हो गया आंसर 60%, ठीक है, आंसर कितना आ गया, 60% की वृद्धि संयुक्त रूप से, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, सिंपल था, बोला गया 50 ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, मान लीजिए बी का आय 2 है तो इसका आय एक आय कितना हो जाएगा, 3, हम अपने मन से डबल जीरो बढ़ा लिए क्योंकि ये आसान बनेगा कैलकुलेशन। अब यहाँ पर ए की आय में 40% वृद्धि हुआ, बी की आय में 90% वृद्धि हुआ, तो 40% वृद्धि किया कितना हो गया, 120, और इसका 90% वृद्धि किया कितना हो गया, 180, और लवर वृद्धि कितना हो गया, 300, बोला गया संयुक्त रूप से कितना वृद्धि हुआ है, तो संयुक्त रूप से दोनों का कितना आय है, 500, तो 300 वृद्धि हो रहा है, 500 में से गुना 100 कर देंगे, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जितने क्वेश्चन हम बना रहे हैं सब सीजीएल 2018 प्री में पूछा गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, दोनों की क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस बार जो हर बार सीजन में होता क्या है, 3-4 पैटर्न का क्वेश्चन उठाता है और उसी को हर सेट में डाटा चेंज करके रिपीट करता है, तो उसी प्रकार से इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बोला गया है 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। मान लीजिए बी की आय जो है 5 है, 5 में से 2 अधिक किसका हो जाएगा, ए का, या फिर आप 100 मान के बना सकते हैं। इस तरह 100 मान के बनाएंगे, ए बी, मान लीजिए बी 100 है, ए कितना हो जाएगा 140, सॉल्व करेंगे वही रेशियो आएगा, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर रेशियो आ गया आपका 7:5। हम क्या बोले, 00 अपने से ले लेंगे, यहाँ भी 00 ले लिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया ए की आय में 25% का वृद्धि हुआ, इसमें कितना वृद्धि हुआ है, 25% का वृद्धि हुआ है। तो बताइए 700 का 25% कितना हो गया, 175 हो गया। और बी की आय में कितना वृद्धि हुआ है, 40% का वृद्धि हुआ, बी का आय में 40% का वृद्धि, इसका 40% निकालेंगे कितना हो गया आपका 200, समझ रहे, 40% 200 हो गया, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, बताइए ऑल ओवर कितना वृद्धि हुआ, दोनों जोड़ देंगे, ऑल ओवर वृद्धि हुआ, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3, कितना वृद्धि हुआ, 375 रुपए ऑल ओवर वृद्धि हुआ, ठीक है। कितना में से, यहाँ पर टोटल जोड़ लिए, कितना में से, 1200 में से, कितना में से, 1200 में से ऑल ओवर, ये दोनों का इनकम निकालेंगे, दोनों इनकम कितना हो गया, 700 500 1200, तो 12 में से 375 वृद्धि हो रहा है, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कट रहा है 00 00, ये 3 से कट रहा है क्या, 10, हाँ 3 से कट रहा है, ये 4 बार में, ये 3 से कट गया आपका 125 बार में, इसको सॉल्व कीजिए, 125 बटा 4 को हम सॉल्व किए तो 4 किया 12, 4 × 4 4 × 8 4×20 आंसर आ गया 31.25 31.25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इतना परसेंट का ऑल ओवर वृद्धि, सेम क्वेश्चन था पिछले जैसा, इसमें कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x+20% से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन आप लोग दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। क्वेश्चन बोला गया है कि 120 में कितना कम किया गया है, x परसेंट कम किया गया है, तो 100 में से x परसेंट कम कर दिया गया है, कितना कम किया होगा, 100 माइनस x बाय 100, समझ रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 40 में से 30% कम कीजिए तो कितना हो जाए, कितना बचा, 40 से 30 कम कर देंगे तो 100 में से 30 कम कितना होगा, 70%, समझ रहे हैं। हम बोलेंगे 40 में से 30% कम कीजिए तो 30% कम करेंगे तो बचा कितना, 70। यहाँ 120 में से x कम कीजिए तो 100 में से घटा देंगे इसको, समझ रहे हैं। और इससे जो रिजल्ट आता है वो सेम है जब 40 का आप x% जब बढ़ा देंगे, समझ रहे, क्वेश्चन जो बोला उस तरह हम लिख दिए। क्वेश्चन बोला है 120 में से जब इसका x% निकाला जाता है, उसके 120 में से जब x% कम किया जाता है तो वही रिजल्ट प्राप्त होता है, कब, जब 40 में से x% अधिक निकाला जाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, 00 00 कट गया, ये 40 से ये 3 बार में कट गया, इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 300 - 3x बराबर 100+x, इसको सॉल्व किए 4x बराबर आ गया 200, तो x बराबर कितना आ गया आपका 50,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का वैल्यू 50 आ गया। चले अब थोड़ा आगे इसको मिटाते हैं, उस पर बनाते हैं। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50। एक्स का वैल्यू आपका आ गया 50। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 210 का एक्स परसेंट, 210 का एक्स परसेंट मतलब 50%, 210 का 50% कितना होता है, इसका आधा कर देंगे, ये हो गया 105। इसका आधा ही नहीं होगा, एक जहां 105 होगा, ठीक है। अब आगे बोला गया है क्या, 180 के एक्स प्लस 20%। अब निकालेंगे हम लोग 180 के एक्स प्लस 20, पहले कितना था 50x और 20 बढ़ा दे, कितना हो गया 70%, 70% निकाल लीजिए, 10100 कट गया, कितना गया 126। अब क्वेश्चन में बोला गया, अब समझिए, यहाँ पर बोला गया है क्या, तब एक 210 का x परसेंट निकाल लिए, कितना 105 आ गया। उसके बाद 210 का x परसेंट 180 के x प्लस 20% से, 180 के x प्लस 20% मतलब 70% से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पर देखिए कितना कम आपको नजर आ रहा है, किस जगह पर नजर आ रहा है कम, कितना कम नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर घटा देंगे, कितना हो गया आपका 21 कम नजर आ रहा है, 21 कम आ रहा है, किससे कम आ रहा है, 126 से, गुना क्या कर देंगे 100, ये कट रहा है 21 से, ये कट रहा है 6 बार में, और ये 2 से कट गया 3 बार में, ये 2 से कट गया 50 बार में, तो 50/3%, इसका आप फ्रैक्शन में लेंगे तो ये हो गया 16.2/3% कम है। समझ गए, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ये लेवल ऊंचा था, मतलब कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए था बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है बेलन की त्रिज्या में 150% 150% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 20% कम कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेलन का त्रिज्या आर, रेडियस में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया 150%, तो 150% वृद्धि किया गया है, तो 150% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 150/100 हो जाएगा, ये 25 से कट गया 6 बार में, ये 25 से 4 बार में, ये हो गया 3, ये हो गया 2, कितना आ गया 3/2, तो 150% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया आपका 3/2, यहाँ तक क्लियर है, और ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ, इसलिए प्लस लिख रहे हैं। इसका ऊंचाई में कमी किया गया, कितना कमी किया गया है 20%, हाइट में 20% का कमी किया गया है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कमी, इसलिए माइनस। हम बताए थे जब आयतन में पूछेगा वृद्धि या कमी, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कॉन्स्टेंट है, जो अभी रहेगा बाद में वही रहेगा, पाई टर्म कट गया, तो बचा आपका क्या आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, मतलब पहले आर कितना था, 2 था, अब इसमें 150% बढ़ गया, मतलब 2 में से 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 स्क्वायर, इसलिए आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ऊंचाई में क्या हुआ कमी, तो मान लीजिए पहले ऊंचाई था 5, 5 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, समझ रहे हैं, तो ये 4 गुना ये कितना हो गया आपका 4 गुना 5, तो ये हो गया 20, और ये 25 गुना ये कितना हो गया 400, 25 गुना 4 कितना हो गया 100, ठीक है। कितना वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, 80 वृद्धि हो रहा है, किसमें से 20 में से, गुना क्या कर देंगे 100, ये कट गया आपका 5 बार में 20-25 होता है, तो वृद्धि कितना हो गया आपका 400%, कितना परसेंट वृद्धि हो गया 400%, समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया में, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका और एक सेट आएगा जिसमें हम लोग CHSL का क्वेश्चन करेंगे, जितना प्रीम पूछा गया है, और जो छूट गया है इसमें वो करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।